पड़ोसी पाकिस्तान बना रहा था इस्लामिक गठजोड़, अमरीका के दोस्त इसराइल के खिलाफ उगला जहर, सुपर पावर ने लिया तगड़ा एक्शन, सदमे में शहबाज। दोस्तों, देश का दुश्मन पाकिस्तान खाने के लिए भले राशन न जुटा पा रहा हो, लेकिन इस देश के बड़बोले नेताओं को शेखी बघाड़ने का बड़ा शौक है और अपनी भुखमरी मिटाने में नाकाम ये नकारा देश इस्लामिक हितों पर बड़ी बड़ी बातें करता है, अमेरिका के दोस्त इसराइल पर मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाता है और उसके खिलाफ तमाम साजिशों को अंजाम देता है। हाल में इसराइल और ईरान के बीच भयंकर तनातनी बनी है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती की डींगे हांकता है और अमेरिका के दुश्मन ईरान की तरफदारी कर रहा है। इसी वजह से सुपर पावर बेहद नाराज है और भिखारी देश के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद से शहबाज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर क्या है पूरा मामला, अमेरिका ने क्या एक्शन लिया है, शहबाज क्यों अंडरग्राउंड है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, लेकिन इससे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ क्या करता है साजिशें, ईरान से क्यों बढ़ा रहा रिश्ते, अमेरिका के पीठ में छुरी घोंपने की क्यों कर रहा हिमाकत। तो दोस्तों, इसराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी इसराइल के बनने के बाद से ही चली आ रही है। तब इसराइल के तत्कालीन पीएम डेविड गुरियन ने अपने देश को यूनाइटेड नेशंस में शामिल करने के लिए देशों का समर्थन चाहा था। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से भी संपर्क किया, लेकिन पाक ने कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि 1952 में उसने मुस्लिम मुल्कों से घिरे इस छोटे से यहूदी देश पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद इसराइल भी भड़क गया, तब से दोनों के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं हो सके। फिलिस्तीन का मुद्दा तनाव की बड़ी वजह है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनका देश वापस नहीं मिल जाता, वे इसराइल को मान्यता नहीं देंगे। इसराइल और फिलिस्तीन की तनातनी दुनिया भर में वैसे ही जानी जाती है जैसे भारत पाकिस्तान संबंध। 1948 में विभाजन के बाद इसराइल और फिलिस्तीन दो देश बने थे। इसराइल और फिलिस्तीन में अब भी दुश्मनी जिस बात पर है वो गाजा क्षेत्र है। दोनों ही मुल्क गाजा क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। दोस्तों, इसराइल भी पाकिस्तान को मान्यता नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन को मान्यता देता है। एक के बाद एक लगातार अरब देश इसराइल से दोस्ती कर रहे हैं, इसमें यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन है। माना जा रहा है कि लगभग 9 अरब देश इसराइल से मित्रता चाहते हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और यूएई के बाद कई और देश कतार में हैं। कुल मिलाकर अमेरिका और भारत समेत लगभग सारी बड़ी ताकतें इसराइल के पक्ष में हैं। ऐसे में भी पाकिस्तान ने संकेत दिया कि वो अपनी कूटनीति में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा। वैसे पाकिस्तान के इस अड़ियल रवैये के पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है, जो गरीबी से जूझ रहे इस देश में बड़ा आर्थिक निवेश कर चुका है। चीन अमेरिका से दुश्मनी निभाते हुए ईरान से दोस्ती कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जाल बुनते रहता है। तमाम रिपोर्ट्स में इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान की नफरत नजर आती है। पिछले साल ही इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को बेनकाब किया था। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ क्या साजिश रची थी, मोसाद ने क्या एक्शन लिया था। तो दोस्तों, ग्रीस में 29 और 27 साल के पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी के साथ ही पाकिस्तान बेनकाब हो गया था। मोसाद ने इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। मोसाद का कहना था कि ये पाकिस्तानी आतंकी ईरान के साथ मिलकर ग्रीस में इजरायली नागरिकों पर हमले की तैयारी में जुटे थे। आतंकी राजधानी एथेंस में ही एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाना चाहते थे, जिसे धार्मिक केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। इन दोनों नागरिकों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और इन पर कानूनी कार्यवाही की गई थी। दोस्तों, वहीं पाकिस्तान ईरान से संबंध बनाने में लगा हुआ है, इसराइल के खिलाफ गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं कई व्यापारिक रिश्ते भी कायम कर रहा है, साथ ही चोरी छिपे आतंक का सामान इकट्ठा कर रहा है, जिस पर सुपर पावर भड़क गया है और बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुपर पावर के किस एक्शन से शहबाज को बुखार आ गया है, इस्लामाबाद में बवंडर है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। चोरी छुपे मिसाइल बनाने में जुटा था भिखारी देश, वॉशिंगटन को मिली खबर, मचा दिया बहुत बड़ा बवाल। दोस्तों, भिखारी पाकिस्तान एक घातक मिसाइल बनाने में जुटा था।
अमेरिका को जैसे ही इस मामले की खबर मिली उसने तुरंत बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसके बाद से शहबाज के होश उड़ गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 3 चीनी कंपनियों और बेलारूस स्थित एक फर्म के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। जिन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें 3 चीनी कंपनियां शियोन लॉन्गडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रैनपैक्ट कंपनी लिमिटेड शामिल है। वहीं बेलारूस की मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर प्रतिबंध लगे हैं। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये कंपनियां सामूहिक विनाश के लिए बनाई जाने वाली हथियारों के निर्माण, उनके वितरण के साधनों के प्रसार में लगी हुई थी। इन कंपनियों के भौतिक योगदान ने जोखिम पैदा किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण, अधिग्रहण, स्वामित्व, विकास और परिवहन की कोशिश शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन सामानों का उपयोग ट्रांसफर करने वाला था। मिलर ने कहा कि अमेरिका चिंता की प्रसार गतिविधियों का समर्थन करने वाले खरीद नेटवर्क को बाधित करने के लिए कार्रवाई करके वैश्विक अप्रसार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेलारूस के मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान के लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए विशेष वाहन चेसिस की आपूर्ति की है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी चेसिस का इस्तेमाल पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। बयान में अमेरिका ने कहा, ग्रैनपैक्ट कंपनी लिमिटेड की ओर से पाकिस्तान को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक फिलामेंट वाइंडिंग मशीन सहित मिसाइल से जुड़े उपकरणों की आपूर्ति की गई है। फिलामेंट वाइंडिंग मशीन का इस्तेमाल रॉकेट मोटर केस के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस देश के पास खाने को दाने नहीं है, अपनी इकोनॉमी की खस्ता हाल को सुधारने के नाम पर दुनिया से भीख मांगता घूमता है, और जब भीख मिल जाती है तो इन पैसों का इस्तेमाल इस देश के द्वारा हथियार बनाने में किया जाता है। इन हथियारों का इस्तेमाल इस देश के द्वारा आतंक फैलाने और अशांति फैलाने में किया जाता है। दोस्तों, एक तरफ भारत का दुनिया भर में जलजला बढ़ता जा रहा है, ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों में ढील दी, जबकि जब पाकिस्तान ने ईरान से रिश्ते जोड़ने चाहे तो अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। और अब जब मिसाइल निर्माण का मामला सामने आया तो सुपर पावर ने इस्लामाबाद को जमकर लताड़ लगाई है, वहीं संबंधित कंपनियों पर बैन लगा दिया है। तो दोस्तों, भिखारी देश की हरकतों पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।